दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ब्रिजेस का निर्माण दुनिया का सबसे शानदार आविष्कार है। जहां पर पहले एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना नामुमकिन था, वहीं आज ब्रिजेस के जरिए जाना आसान हो गया है। आप में से कुछ लोगों को ब्रिजेस बोरिंग लगता होगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक ब्रिजेस है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। यह ब्रिजेस बाकी सारे ब्रिजेस से अनोखे और बहुत ऊँचे होते हैं, जिन्हें देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबा देना। नंबर 6, एसिमा उहासी ब्रिज। दोस्तों यह अनोखा ब्रिज जापान में स्थित है, जो कि जापान का सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसे साल 1997 नाकाओमी लेक के ऊपर बनाना शुरू किया गया था और 2004 में बनके तैयार हो गया। इस ब्रिज की लंबाई 1700 मीटर और ऊंचाई 44 मीटर है, जो कि इतना सीधा है कि कभी कभी इस ब्रिज पर गाड़ियों का बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे इस पे गाड़ी चलाते समय हर किसी को डर लगता है। इस ब्रिज को ऐसा इसलिए बनाया गया है कि ताकि बड़े जहाज इस ब्रिज के नीचे से आसानी से पार हो जाएं और सड़क पर ट्रैफिक भी ना हो, जिस पे आपको गाड़ी चलाते समय रोलर कोस्टर का मजा आएगा। नंबर 5, केशवाचाका ब्रिज। इस ब्रिज पे चलते समय सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे मात्र 3 दिन में बनाया गया है और इस ब्रिज को बनाने के लिए रस्सी और घास का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पेरू में स्थित है। यह ब्रिज 100 साल पुराना है, इसीलिए इस ब्रिज के रस्सियां खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से रस्सियों को हर साल बदला जाता है। यह ब्रिज की लंबाई 118 फीट और ऊंचाई 220 फीट है, जो कि पेरू के एप्यूरिमैक नदी के ऊपर है। वहां के रहने वाले लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। एडवेंचर्स और रोमांचिक सफर करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ब्रिज है। नंबर 4, ड्यूक ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज से नीचे ना देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 1850 फीट है, जो कि बहिपैन रिवर के ऊपर है, जिसे कई सारे केबल से बनाया गया है। इस ब्रिज का नजारा इतना खतरनाक होता है कि इस ब्रिज पर हर किसी का रूह कांप उठता है। यह ब्रिज चाइना में स्थित है, जिसकी लंबाई 4400 फीट है। ब्रिज एकदम नया है, जिसे साल 2016 दिसंबर में खोला गया है। यह ब्रिज पे गाड़ी चलाने से लोगों को डर लग रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इस ब्रिज पर ड्राइवर रखा है, जो लोगों को दूसरे तरफ गाड़ी चला के पहुंचाते हैं। नंबर 3, ट्रिफ्ट ब्रिज। स्विट्जरलैंड में स्थित यह ब्रिज पे आपको खतरनाक एक्सपीरियंस मिलेगा। इस सस्पेंशन ट्रिफ्ट ब्रिज को पार करना काफी मुश्किल होता है, जिसमें से कुछ ही लोग बिना डरे पार कर लेते हैं, क्योंकि यह ब्रिज को पहाड़ों के खाई पर बनाया गया है, जहां पर नजारा सुंदर और बहुत खतरनाक होता है, जिसकी ऊंचाई 560 फीट और 6 किलोमीटर इतना लंबा है। तेज हवा चलते समय यह ब्रिज हिलने लगता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। यह ब्रिज बहुत है, जिसपे एक साथ 8 लोग जा सकते हैं, और यह ब्रिज पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। नंबर 2, ग्लास ब्रिज। दोस्तों चाइना का ग्लास ब्रिज इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। चाइना का यह ब्रिज पूरी तरह से कांच से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, जिसमें आपको हवा में चलने का मजा मिलेगा। यह ब्रिज जो कि 1800 फीट ऊंचा है, जो दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है, जिसके कांच इतना मजबूत है कि इस पे एक साथ 800 लोग खड़े हो सकते हैं, जिससे आपको नीचे का नजारा दिखेगा। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप यहां बिल्कुल भी ना, क्योंकि लोग यहां पर चलते समय डर के वजह से नीचे लेट जाते हैं। ठीक इसकी तरह ही चाइना में स्थित है क्रैकिंग ग्लास ब्रिज, जिस पे चलने पर कांच टूटने का इफेक्ट डाला जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल असली दिखता है। नंबर 1, एई पेट्री ब्रिज। दोस्तों यूक्रेन के ऊंचे पहाड़ों पर बना यह ब्रिज हाइकर और एडवेंचर सीकर का पसंदीदा जगह है, जो कि दो क्रीमियन माउंटेन से जुड़ा है, जहां पर क्लाइंबर्स को यह ब्रिज पर बिना बैलेंस बिगड़े पार करना पड़ता है। यहां पर आपको तेज हवा का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रिज बहुत तेजी से हिलने लगता है, इसीलिए यहां पर चलते समय लोगों को सेफ्टी क्लिफ से बांधा जाता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक पुल मौजूद है चाइना में, लेकिन यह टूरिस्ट है, जो कि एक खतरनाक खेल है, जिसपे लोगों को सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है ताकि वह नीचे ना गिरे, और फिर लोग इसको कूद कर पार करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर बताइए, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।